और दो बड़े बड़े डिस्प्ले है ना, इसके अंदर जो है शार्क रखे हुए हैं, तो मैं आपको शार्क के पास ले जाऊंगा। तो गाइस हम यहाँ पर घूमते घूमते आ गए यहाँ पर एक्वेरियम में, एक्वेरियम में फिश का यहाँ पर, ठीक है आप देख सकते हैं यहाँ पर फिश है यहाँ पर बड़ा, और यही है फिश एक्वेरियम है। इसके अंदर जाएंगे फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या है। और फिश एक्वेरियम में एक यहाँ पर कुत्ता है, कुत्ता बोला तो सर बुरा मान के लग रहा है। तो गाइस जब हम यहाँ पर अंदर आए तो अंदर का कुछ नज़ारा इस तरह का था आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे फिश है, वहाँ पर आपको दिखा सकता हूँ कि दो, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो बड़े बड़े डिस्प्ले है ना, इसके अंदर जो है शार्क रखे हुए हैं, तो मैं आपको शार्क के पास ले जाऊँगा। लेकिन हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है, तो हम पहले यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर है ब्लैक मूल गोल्ड फिश, आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। और उसके ठीक नीचे यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर शुगुन की गोल्ड फिश है। यहाँ पर हर तरह के फिश यहाँ पर आपको मिलेंगे। और मैं फटाफट इस वीडियो को कंप्लीट करना चाहूँगा और आपको अच्छे से दिखाना चाहूँगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मिल्की वाइट कोई कॉर्प, ये एक फिश का नाम है जो कि एकदम मिल्क की तरह है, वाइट कलर का है। फिर यहाँ पर ये देख सकते हैं लायन हेड गोल्ड फिश, लायन हेड गोल्ड फिश, इसमें क्या बात है आप मुझे कमेंट करें अगर आपको इसके बारे में कुछ मालूम है तो, ठीक है। और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फैन टाइल गोल्ड फिश, यहाँ पर ये भी है। और फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर कि काम्फा, ये फिश एक ही है। और मेरे हिसाब से कभी भी एक फिश नहीं रखना है, उसके साथ साथ और भी दो तीन लोगों को रखना है, क्योंकि जो मैं सोचता हूँ वो शायद सही सोचता हूँ कि शायद से वो मर भी सकता है अकेला रखे तो हम लोग। फिर रेड कैप गोल्ड फिश, यहाँ पर आप देखते हैं रेड कैप गोल्ड फिश है, जो इसका जो कैप जो है गोल्ड कलर का है, रेड कलर का आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पर विदो टेट्रा है, ठीक है गाइस। और इस एक्वेरियम में मैं जितना पैसा दिया हूँ मुझे लगता है ये पूरा वर्थ है, एकदम सही है। ज़रा सा भी जो भी मैंने पैसा दिया है, जो एक लोगों का यहाँ पर 50 रुपये लिया है, एकदम सही है, एकदम कुछ भी मतलब उसमें ख़राबी नहीं। ये सिल्वर शार्क है आप देख सकते हैं, शार्क है सिल्वर का छोटा वाला। फिर यहाँ पर कॉमेट गोल्ड फिश है आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो मछलियाँ हैं बहुत ही एकदम, ये सब देखने के बाद मुझे बहुत एक्साइटमेंट हुआ कि जितना हमने फ़िश दिया है उसमें जो फ़िश देखने के लिए मिल रहे हैं वो बहुत ही सही है। जितना हमने फ़िश दिया है उसका जो हमारा जो है एकदम सही है, एकदम वर्थ करता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मछलियाँ हैं सारे के सारे जा रहे हैं। और फाइनली मैं आपके पास आपको दिखाऊँगा यहाँ पर वाइट शार्क दिखाऊँगा आपको, फिर ब्लैक कलर का भी शार्क दिखाऊँगा। सबसे पहले आप ये देख लें कि सुपर रेड ड्रैगन फ्लो हॉर्न, और आप देख सकते हैं ये किस तरह का दिखता है ना, एकदम कमाल का ये भी। और आप इसको देख सकते हैं रुविकिन गोल्ड फिश, और बाद में मैं आपको दिखाता हूँ फ्लावर हॉर्न। फिर आप देखें यहाँ पर एंगल फिश, ये इस तरह का दिखता है गाइस। और बाद में मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर सकर कैटफिश, ये कैटफिश है, कैमरा में आती है, बहुत जल्दी छुपने का कोशिश करता है, ठीक है गाइस। फिर यहाँ पर देखते हैं ओरांडा गोल्ड फिश, यहाँ पर जो नाम है वो बहुत ही अलग नाम है यहाँ पर। फिर यहाँ पर जिब्रा डेनोस, एकदम परफेक्ट है। और ये जो है मेन चीज़ जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये इरिडेसेंट ब्लैक एंड वाइट शार्क है, जो कि इस वीडियो में मेरे को सबसे बेस्ट जो है इस एक्वेरियम में मेरे को लगा है, ये शार्क है। आप जैसे किस तरह के यहाँ पर है, बहुत ही अच्छा है, एकदम बहुत खतरनाक है। आप यहाँ पर ही देख सकते कि ये देखो ये छोटा वाला है और ये हैमर हेड जैसा दिख रहा है, एकदम परफेक्ट है सारे के सारे। यहाँ पर जो हमने पैसा दिया एकदम वर्थ है। यहाँ पर अफ्रीकन चिकलाइट्स, ठीक है, और ये आपको दिख रहा होगा एकदम ओशन की तरह जैसा दिख रहा होगा, एकदम बहुत ही परफेक्ट है, बहुत अच्छा लग रहा है सब। और फिर यहाँ पर जेंट गौरमी देख सकते हैं आप, वाइट कलर के हैं यहाँ पर और बड़े बड़े हैं एकदम, ये बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक है गाइस। फिर यहाँ पर मैं आपको फाइनली यहाँ पर एक और चीज़ दिखाता हूँ जिसका बोर्ड पे कुछ नाम नहीं आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पर स्पॉटेड एलिगेटर कार, एलिगेटर की टाइप है देखो, ये मगरमच्छ की तरह दिखने वाली मछलियाँ हैं, ठीक है आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पर देख सकते हैं ऑस्कर फिश, और फिर आपको यहाँ पर ऑस्कर फिश आप देख सकते हैं किस तरह के लोग दिखते हैं। दोस्तों मैं जानता हूँ आपको भी जो वीडियो है बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो प्लीज़ हेल्प कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें। और ये यहाँ पर है पिराना, पिराना के बारे में आपने सुना है, ये ऐसी मछलियाँ हैं जो अगर आप इसमें हाथ डालते हो
तो ये आपके हाथ को भी खाने का औकात रखती है। आप देख सकते हैं कि सारे मछलियाँ हिल रहे हैं, उधर उधर चल रहे हैं, कहीं कहीं तैर रहे हैं, लेकिन ये जो है एक जगह पे खड़े हुए हैं। जैसे इन लोग बहुत अलर्ट है एकदम, अगर आप हाथ डालते हो तो आपको खाने का भी चांसेस बहुत है। ठीक है, फिर यहाँ पर पैरट कीकलिट्स, ये भी अफ्रीका का ही लगता है मेरे को। आप देख सकते हैं किस तरह हैं, ऐसे ऐसे मछली को इन लोगों ने जैसे यहाँ पर रखा है एक्वेरियम में। ये एक्वेरियम से मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ, और आपको देखना है तो आप भी यहाँ पर आ सकते हो। लोकेशन है तुंगाभद्रा डैम, जो कि कर्नाटका बल्लारी हॉस्पिट में है। ठीक है, आप देख सकते हैं। और फाइनली हमारे पास है टिन फॉइल बॉब्स, ये लास्ट फिश है। इसके बाद जो है गेट है एग्जिट का। ठीक है, तो ये देखते हैं और बाद में निकलते हैं। तो आप देख सकते हैं, और उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो बिल्कुल अच्छा लगा होगा। जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें गाइस। हाँ, तो गाइस बस यही सब था इस वीडियो में, और मैंने आपको सारे के सारे एक्वेरियम में यहाँ पर जितने भी फिश दिख रहे हैं मैंने आपको सब के सब दिखा दिया यहाँ पर, और जितना हमने पैसा दिया उसमें ये बहुत ज़्यादा वर्थ है। इससे मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर जो स्पॉटेड एलिगेटर है जो किस तरह का दिखता है, आपको एलिगेटर में दिखा देता हूँ आपको। आप देख सकते हैं एलिगेटर किस तरह का दिखता है। फिर यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ अफ्रीकन कीकलिट्स, और फिर यहाँ पर आपको वाइट शार्क और ब्लैक शार्क भी एक बार लास्ट टाइम दिखा देता हूँ। फिर फाइनली हम जाएंगे यहाँ पर शार्क का, जो कि सबसे अहम लगा मेरे को, सबसे बेस्ट यही लगा मेरे को। ठीक है गाइस, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और दोस्तों इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें गाइस। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।